कोलकाता में राज्य द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त यानी शुक्रवार सुबह एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या का सनसनी मामला सामने आया है। कथित तौर पर डॉक्टर का लहूलुहान शव सेमिनार हॉल में कालीन पर पड़ा हुआ था। इसके अलावा शरीर के बाएं पैर, पेट, मुंह, होंठ और कई जगहों में चोट के निशान पाए गए। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में शरीर पर कई फ्रैक्चर का भी जिक्र है। पोस्टमार्टम के शुरुआती जांच में हत्या की बात सामने आई। मृतक के परिवार का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या की गई। हालांकि मामले की शुरुआती जांच में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात तक पूछताछ के बाद आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसे अपराध स्थल से बरामद ब्लूटूथ ईयरफोन के फटे हुए अवशेषों के आधार पर पूछताछ के लिए लाया गया था। घटना के जांच के लिए कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम का गठन किया गया। कार्यवाहक ज्वाइंट सीपी क्राइम मुरलीधर शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई। मालूम हो कि पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थे, जो लोग उस रात उस बिल्डिंग में या फिर उसके आसपास मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है। गुरुवार रात वह ड्यूटी पर मौजूद था। जब उसे पूछताछ की गई तो पुलिस ने दावा किया कि उसके जवाबों में कई विसंगतियां पाई गई। इसी वजह से उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पीड़िता के पिता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हमारा मानना है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और मामले को दबाया जा रहा है। इस बीच कोलकाता के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में महिला चिकित्सा कर्मचारियों के कथित सुरक्षा की कमी के विरोध में सेवाएं बंद करने का आह्वान किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर चिकित्सा सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई। जूनियर डॉक्टरों और निवासियों ने इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी और परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला। एक प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टर ने कहा कि इस अस्पताल में बहुत सी महिला डॉक्टर है जो 2400 घंटे काम करती है। हम अब यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी चिंतित है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक अन्य छात्र प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि पीड़िता की मौत में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और छात्र और जूनियर डॉक्टर सभी संदिग्धों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।